वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव दीजिए। मशरक वस्ता में आया था तो ईरान में आज़रीज़ को और कुर्दिश को छोड़ के, फिर वो इतने साल तक जमाल अब्दुल नासिर और इन सबको सपोर्ट किया, उनका ही अंजाम हो, तो ऐसा तो नहीं कि हम इसको खुल के रशिया की हमायत कर दें या चाइना की हमायत कर दें। अमेरिका के लिए तो तैयार हैं, वो तो दिलो जान फट से, ऐसा तो नहीं कि उनके साथ खुल के बात कर दें तो हमारा भी वही अंजाम हो आगे जाके जो उनके हुक्मरानों का। तो हमारे इस्लामी दुनिया के जो रहनुमा हैं वो डरे हुए हैं, सब उनको यकीन नहीं आ रहा कि वाकई यूनिपोलर नहीं है, बाईपोलर या ट्राईपोलर या मल्टाईपोलर दुनिया बन गई है। मुस्लिम हुक्मरानों को, ओआईसी को कोई थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास दौलत भी है, सब कुछ है, असलह भी है, फौज भी है और एक छोटा सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क 8.7 यानी कि 87 लाख यहूदी हैं और पूरी दुनिया में हैं 1.5 करोड़ यहूदी, और दूसरी जानब हमारे मुसलमान कितने हैं, अरबों, करोड़ों नहीं अरबों मुसलमान और मुस्लिम हुक्मरान। आप नक्शे में देखें, छोटा सा इसराइल है, उसके इर्द गिर्द बड़ी बड़ी मुस्लिम ममालिक बैठे हैं, सऊदी अरब है, मिस्र है, इराक है, जॉर्डन है, उसके पीछे चले जाएं तुर्की है, ईरान है और इसी तरीके से सूडान है, यानी करीब करीब कोई और मुल्क नहीं है इसराइल को सपोर्ट करने वाला जिसकी ज़मीनी फ़िज़ाई हदूद मिलती हो, कोई नहीं मिलती, तमाम ज़मीनी हदूद, फ़िज़ाई हदूद, राइट लेफ्ट आगे पीछे शुमाल जनूब मशरिक मगरिब सब मुस्लिम ममालिक हैं और तगड़े मुस्लिम ममालिक हैं वो हैं। उनके पीछे भी यानी कि अगर ईरान, इराक के बाद ईरान है, सऊदी अरब के बाद सूडान है, यमन है, जॉर्डन है, सारे मुल्क, उन सारे मुस्लिम ममालिक में वो एक यहूदी रियासत, नाजायज़ रियासत घिरी बनी हुई है जी और घेरा हुआ है। लेकिन हमारे ओआईसी का इजलास हुआ, पहले तो मैं ज़रा वहाँ पे बता दूँ कि इधर ओआईसी का इजलास हो रहा था और दूसरी जानब इसराइल में क्या हो रहा था, फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा था, वहाँ पर मुसलसल गोला बारूद फेंका जा रहा था और ओआईसी के इजलास के दौरान ही पहले से पता था। लेकिन चूंकि एक ख़बर मैं आपको दे दूं, ज़मीन का मसला तो ये है ना कि आप जितने कमज़ोर पड़ते जाएंगे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। सिचुएशन तो अंदर देखिए ना, अंदर की डायनामिक्स और हैं, उसका हमारे वो हमारा बुनियादी मौजू नहीं है, इसलिए कि जितनी इंतहा पसंदी फैलेगी नेतन्याहू उतना पावरफुल होगा, वो उस मोदी की तरह उस उन जज्बात को इस्तेमाल करेगा अपनी सियासत के लिए। लेकिन दूसरी तरफ, लेकिन मायूसी इन हुक्मरानों से है जिन्हें ना इदराक है, ना जुरत है, ना फहम है, ना आलमी सूरत हाल का इदराक है, ना सियासत की हरकियात समझते हैं, ना तारीख की हरकियात समझते हैं, और इन हुकूमतों को तो छोड़े हुकूमतों की तो मजबूरियाँ होती हैं। जमात इस्लामी को क्या हुआ है, एक 50,000 का जुलूस नहीं निकाल सकती लाहौर में तैयारी करके, ये 20-25 आदमी लाने का क्या मतलब है, क्या किया कभी मुस्लिम लीग ने फलस्तीन के लिए, और इंडिया का कहते हैं सौदा कर दिया, इंडियन तो इनके घर में ठहरते थे, ये तरदीद करें मैं नाम तक बता दूंगा, इनके घर में ठहरते थे, इनकी फैक्ट्रियों में काम करते थे, वो ऑन रिकॉर्ड है हमारे हाई कमिश्नर साहब के सुलेमान साहब फोन करते थे और इंडियंस को वीजे जारी होते थे। ये कोई को खुदा का खौफ करें, कोई सूरत हाल को समझने की कोशिश करें, ये समझ रहे हैं कि दुनिया अंधी है, दुनिया अंधी नहीं है, इस पर इतनी नाराजगी है पूरे आलम इस्लाम में कि अगर हुकूमतें कुछ नहीं करेंगी तो इन सब का अंजाम खराब। आपने देखा करारदाद क्या अमेरिका ने पेश की, जिसका उसका सिवा कोई ना, अभी यूरोपीय यूनियन का इजलास होने वाला है उसमें भी इसी तरह की करारदाद पास हुई। ओआईसी में अगर लोग सिर्फ इतना कह देते हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात में नजरसानी करेंगे तो आज एक तूफान उठ खड़ा होता। क्या करारदादें हो रही हैं जी, इमरान खान ने मुजम्मत कर दी, शाह महमूद ने मुजम्मत कर दी,
ओ भाई कोई काम करो, रिजवान ने कहा ना कि मुझ पे दबाव है, हमें उठना पड़ेगा, हमें दाखिल होना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा हारून साहब, काम क्या करना पड़ेगा? क्या लफ्ज होता है वो जी? कहते हैं हमारे इख्तियार में जो हमने कर दिया, आप बताएं काम क्या करना होगा मुसलमानों को? किस बात की है जी, आप कोई काम करें, आप उठिए। एक आपकी हौलनाक कदामत पसंदी, दुनिया से आप पीछे रह गए, इल्म नहीं, इदराक नहीं, तालीमी अदारे आप अपने तबाह कर दिए। किसी अरब मुल्क के पास कोई ढंग की फौज नहीं है, फौज इस डर से नहीं बनाते कि जी हमारा इख्तदार खत्म हो जाएगा, जो कि नाजायज इख्तदार है, और खुद जुल्म करते हैं अपने अवाम पे। यमन में क्या किया, बहरीन में क्या किया, दूसरी जगह कतर का मुकात्या करने की कोशिश की, अब वो ठिकाने आ रहे हैं ना, अब तुर्कों से भी ताल्लुकात ठीक कर रहे हैं, ईरानियों से भी कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ये स्पेन की तरह है। उठ के खड़े हो जाएंगे तो इसराइल पे दबा, इसराइल से तो लोग हिजरत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, हिजरत का तो लफ्ज मौजू नहीं है, भाग रहे हैं उनके उमरा तो खौफ है। पहले तो वो सिर्फ पत्थर मारते थे, अब उन्होंने चंद रॉकेट बरसाए ना जो ज्यादातर तबाह हो गए, इसके बावजूद इतना खौफ का आलम है। ये जो OIC करारदाद आई बहुत ही कहता हूँ इतनी होम्योपैथ बेजरर, तो उसके बाद तो फिर यही रद्दअमल आना था। और करारदाद से पहले जो इत्तलात हैं वो ये हैं जी कि ये ख़ास तौर पे अरब ममालिक और मिडल ईस्ट के और गल्फ कंट्रीज़, इनके जो राइट लेफ्ट पे बैठे हैं ममालिक इसराइल के आसपास, जहाँ से कोई रद्दअमल आ सकता है, वहाँ के अमरीकी सफारतखाने मुतहरक थे और जो मुस्लिम हुक्मरान हैं उनको न्यूट्रलाइज कर लिया गया था, और ये कहा गया था कि कोई ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा कोई धमकी आमेज किस्म की करारदाद नहीं होनी चाहिए, बस आप यूँ समझें कि कोरामीन की टिकियां आप दे दें, बस गोलियां, मीठी गोलियां दे देना, इसके अलावा कुछ नहीं। और वाकईतन वो करारदाद ऐसी ही है, वो करारदाद है, हम मजम्मत करते हैं, हमें तशवीश का इजहार है, फ़लस्तीनियों पर ज़ुल्म सितम हो रहा है, इसको बंद करने का मुतालबा किया जाए। तो वो तो देखिए अमेरिका तो उनकी मदद करेगा, वो ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का ये रिएक्शन OIC को लेकर आया था। OIC इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अरब देश ने बनाया है। आपको बता दें कि OIC में लगभग सारे इस्लामी देश शामिल हैं, और इसमें एक खासियत है कि इसमें जो फाउंडिंग मेम्बर है वो ही पावरफुल है, लेकिन होता ऐसा कुछ है कि दूसरे देश भी अपने प्रस्ताव रखते हैं, और इसराइल और फिलिस्तीन में जो चल रहा है उसको लेकर OIC की जो इमरजेंसी समिट हुई उससे ये बात तो क्लियर हो गई कि इमरजेंसी समिट से मुस्लिम देशों को मतलब उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसराइल के खिलाफ खड़े हो सकें। अगर होती तो डेफिनेटली OIC समिट में कुछ रिज़ल्ट निकल के आता, और इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई भी रिज़ल्ट निकल कर नहीं आया है। दिख रहा है कि जो टर्की, पाकिस्तान, ईरान, ये मुस्लिम देश फौज भेजने की बात कर रहे थे, अब इनको लग रहा है कि 80 लाख की आबादी वाले देश से भिड़ना इनके बस की बात नहीं है। ये अपनी हिस्ट्री को निकाल कर ऑटोमन एम्पायर, ये वो फलाना ठिकाना बस करेंगे और कुछ नहीं कर सकते ये लोग, ये बात क्लियर हो गई है। अरब देशों ने भी बोला है कि पॉलिटिकली आप इस मुद्दे को सुलझाएं, जंग वंग से कुछ नहीं होगा, फिलिस्तीन के जो लीडर्स वगैरह हैं उनसे बोला है। गाइज़ ये मामला क्यों खुला एकदम से, ये मामला दुनिया में कैसे आया, इसकी मुख्य वजह है ईद से 3-4 दिन पहले फिलिस्तीन के जो नागरिक हैं अलास्का मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले वो साथ में लेकर गए पत्थर, पत्थर लेकर गए और नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने इजरायली फोर्सेस पर बरसा दिए पत्थर। हालांकि आपको ये भी पता है कि अरब इजरायल के बीच वैसे भी 3-4 युद्ध हो चुके हैं, और इजरायल ने उनको बेरहमी से बहुत बुरा युद्ध हराया, और युद्ध हराने के बाद जो जो ज़मीन में तक वो पहुँचे उस ज़मीन को उन्होंने कब्जा कर लिया। ये आपको पता है, ये पुरानी युद्ध नीति होती थी। हालाँकि ये भारत भी कर सकता था, लेकिन भारत में तो आपको पता है एक घटिया सोच जो सदियों से चली आ रही है, आज से नहीं सदियों से, हज़ारों साल से, छोड़ देना। तो उस वजह से भारत ने चाहता तो जो 90,000 सैनिक थे उसके बदले भारत या तो POK ले सकता था बड़ी आसानी से, लेकिन भारत टेबल पर वॉर हार गया। मिलिट्री तो वॉर जीत गई, आर्मी तो वॉर बड़ी आसानी से जीत गई, लेकिन टेबल पर भारत वॉर हार गया।
तो गाइज अब रीज़न क्या है, आप देख रहे हो इसराइल का एकदम से स्ट्रॉन्ग होने का। जो बाइडन अमेरिका ने भी इसराइल को फुल सपोर्ट कर दिया और अमेरिका ने अभी अभी नई खेप हथियारों की इसराइल को मतलब बेचने का ऐलान भी किया है। लगभग 700 या 750 मिलियन डॉलर की ये डील है जिसमें इसराइल इतने हथियार खरीदेगा अमेरिका से। तो गाइज आप समझ सकते हो इसराइल भी फुल फ्लैश तैयारी में है कि आ जाओ, जिसकी दम है पिछवाड़े में आ जाओ लड़ने। टर्की, पाकिस्तान, ईरान, यही तीन बहुत उछल रहे थे तो अब इनकी भी बैंड बज गई है। पाकिस्तान का तो मुझे लगता नहीं है कि इनके जो फाइटर जेट हैं पेट्रोल वेट्रोल भरवा के जाएँ और इसराइल तक पहुँच भी जाएँ। बीच में इनको दोबारा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, इनकी ऐसी हालत है। और ये लड़ेंगे वहाँ पे, ये कश्मीर पर तो घंटा कुछ कर नहीं पाए बस प्रॉक्सी के अलावा। इसराइल में इनकी प्रॉक्सी चल नहीं पाएगी, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसराइल वाले प्रॉक्सी में भी इतना भूज दें भारत जैसा तो होगा नहीं। तो अब देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है गाइस। OIC की मीटिंग से तो क्लियर हो गया कि दम नहीं है इनके पिछवाड़े में, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। गाइस ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।